अस्सलाम वालेकुम माय ट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज की इस नए ब्लॉग में आप सभी को वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप सभी का बेहद शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला, और जो मेरी बहन भाई जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे होते हैं और जिनकी वजह से जो है ना मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाती हूँ। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के साथ वीडियोज़ बनाना और उनको एडिट करना और फिर अपलोड करना, है तो आप लोग जानते ही है कि कितना मुश्किल है। ये एक सिंपल सी वीडियोज़ है और इसको जो है ना एडिट करने में मुझे तकरीबन कोई 2 दिन लगे, क्योंकि बच्चे बार बार मुझे शोर मचा रहे थे। जहाँ पर भी मैं जाती थी वॉइस ओवर करने के लिए, बच्चे वहाँ पर आ जाते थे और मुझे बार बार जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे होते थे, तो मुझसे ये बोला भी नहीं जा रहा था। तो इस वजह से जो है ना मैं कह रही हूँ कि ये बड़ा मुश्किल टास्क है, और ये आप लोगों का ही प्यार है जिसकी वजह से जो है ना मैं ये सब कुछ कर पाती हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग शिफ्ट हो रहे थे और पिछले मंथ में हम लोगों ने जाना था, लेकिन किसी वजह से जो है ना हम लोगों ने एक्सटेंशन ली और फिर 1 महीना जो है हम लोग दोबारा से इसी घर में ही रह रहे। तो अभी देख लो बच्चे फिर से मेरे पीछे आ गए। असल में जो घर हम लोगों ने चूज़ किया था उसमें कोई मसले मसाइल थे, इस वजह से हम लोगों ने उसको कैंसिल किया। अभी 2 महीने हम लोग घर ही ढूंढ रहे थे, एक घर मिल गया, तो इंशाल्लाह अभी हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह उसमें शिफ्ट होंगे। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना हम लोगों ने बच्चों को भी स्कूल से छुड़वाया था। हम लोग सोच रहे थे कि शायद हम इस महीने में जाएंगे, इस वजह से बच्चे भी घर पे रहे तो बहुत ज़्यादा बोर होने लगे, बहुत ज़्यादा तंग करने लगे। तो मैं रोज़ाना तो वैसे भी बच्चों को लेकर बाहर निकलती हूँ, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं और बच्चे जो है ना गर्मी में बच्चों को बाहर भी ले जाओ तो उनको जो है ना बीमारी लग जाती है, कोई ना कोई मसले आ जाते हैं। इस वजह से शाम को मैं उनको लेकर निकलती हूँ और आज भी मैं एज़ यूजुअल उनको लेकर बाहर ही आई। तो काफ़ी टाइम गुजरने के बाद बच्चों ने कहा कि अभी हम लोगों ने घर जाना है, शाम भी हो चुकी थी, तो मैंने बच्चों को कहा चलो अभी घर चलते हैं। उनको लेके मैं घर ही आ रही थी, बीच में इन लोगों ने साइकिल वगैरह छोड़ दी कि हम लोगों ने साइकिल नहीं उठाना। तो मैं सोच रही थी रास्ते में कि या खुदा आप मैं साइकिल कैसे उठाऊँ और इनको कैसे उठाऊँ, ये दोनों के साइकिल, ये 2 बच्चे, और मुझे कह रहे थे कि हमें उठा के ले जाओ, साइकिल भी साथ ले जाओ, हमें नहीं उठाना। तो इस वजह से मैं सोच में थी कि या खुदा आप कौन आएगा यहाँ पर कि मेरी हेल्प करे। इसी दौरान मेरे हस्बैंड उधर से रास्ते में से ना हमें नज़र आए और वो उसने गाड़ी रोकी, फिर बच्चों की रिक्वेस्ट पे वो हमें उबू लेकर गया, क्योंकि माँ बाप तो आप लोगों को पता ही है कि ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस उनसे जो कुछ हो सकता है बच्चों के खातिर वो कर लेते हैं, अपनी नींद तक भी हराम कर देते हैं। रोल पार्क जंप उबू बड़ा ज़बरदस्त पार्क है, फैमिलीज़ यहाँ पे वीकेंड पे आते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, लेकिन वीकेंड पे यहाँ पर प्राइजेज़ ज़रा हाई होते हैं, 12 यूरो आप 1 घंटे के लिए पे करने होते हैं आपको, लेकिन इसके अलावा जो है ना बाकी डेज़ में अगर आप लोग आएँगे तो प्राइजेज़ ज़रा लो होते हैं, लेकिन 2 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक और हफ्ता इतवार के दिन जो है ना ये 10 बजे तक खुली रहती है। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, ये एक फैमिली पार्क है, यहाँ पे जो है ना डिफरेंट किस्म के गेम्स लगे हुए हैं और इनकी डिफरेंट प्राइजेस है, मतलब हफ्ता इतवार के दिन जो है ना यहाँ पे प्राइस ज़रा ज़्यादा होता है, मतलब 12 यूरो के आप 1 घंटे जब आप गुजारेंगे तो आप लोग जो है ना 12 यूरो पे करेंगे। और इसके अलावा जो मंडे से थर्सडे तक का जो सीन होता है ना वो आप जो है ना 7 यूरो पे करेंगे जब आप लोग 1 घंटा गुजारेंगे इसमें, डिफरेंट स्लॉट्स है, जंपिंग के लिए अलग चीज़ें हैं, सब कुछ है यहाँ पे। यकीन जाने आप लोग इस वीडियो को जो है ना बनाने में मुझे कोई 2 दिन लगे, सिंपल सी वीडियो है और इसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर पे मुझे ना 2 दिन लगे, क्योंकि बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं हर जगह, जहाँ पर भी मैं जाती हुई आ जाते हैं, जहाँ पर छुप जाती है वहाँ पे ये लोग आके मुझे पकड़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये जो शोर शराबे है।
देख लीजिए आप लोग, बच्चे हर जगह अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। जिस चीज़ से उनको मना करे, जिस चीज़ से रोके ना, बस उसी पे ये लोग ज़रूर हाथ डालते हैं, उसी को ज़रूर हाथ लगाते हैं। अब यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, ये एक ने हाथ लगाया ना तो दूसरे ने भी लाजमी जो है ना अपना हिस्सा डालना होता है। उसने भी मजाल है कि वो उसको छुए बिना यहाँ से गुजर सके। और मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि बच्चे थक भी नहीं जाते। क्या आपके बच्चे भी ऐसा ही है? आप लोगों के साथ भी ये सारा कुछ होता है तो कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।